लाभ और हानि के चैप्टर में हम आज क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी और सेलिंग प्राइस एसपी। लाभ को प्रॉफिट और हानि को अंग्रेजी में लॉस कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत हम आज सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मूल्य होता है, विक्रय का मतलब है बेचना। क्रय मूल्य का मतलब कितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जा रही है, विक्रय मूल्य का मतलब कितने रुपए में बेची जा रही है। जाहिर सी बात है ये व्यापार से संबंधित है और यहाँ पर देखेंगे कि लाभ या फायदा, नफा या मुनाफा, ये सब इन्हें इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और ये एक ही बात है। अगर कोई वस्तु खरीद कर बेचने पर हमें फायदा होता है तो हम कहते हैं प्रॉफिट है, और अगर नुकसान होता है तो हम कहते हैं हानि, घाटा, नुकसान या क्षति, अंग्रेजी में से लॉस कहते हैं। तो पहले प्रश्न में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रय मूल्य हम निकालते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, सोनू ने 5 पेन 12 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच दी, पेनों का क्रय मूल्य कितना था? तो यहाँ पर तो दो मूल्य दिए हुए हैं, हमें पता करनी है खरीदा कितने में। तो उसने ये 12 रुपए में खरीदा है, तो हमारा ये 12 रुपये इसका इनका क्रय मूल्य होगा। तो इनका क्रय मूल्य हो गया 12 रुपये। हमें इनसे अभी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्रय मूल्य के बारे में बात करनी है। दूसरा प्रश्न देखें तो गोलू ने 50 किलो चीनी 1,500 रुपये यानी 15 रुपये में खरीद कर 1,800 रुपये में बेच दी, चीनी का क्रय मूल्य कितना था? तो खरीदी कितने में हमें ये देखना है, 1,500 में खरीदी है, इसलिए ये चीनी का क्रय मूल्य है 50 किलो का। आगे हम देखते हैं, इसमें क्या है कि हम ये देखेंगे कि किसी चीज को खरीद के उस पर जो खर्चा किया जाता है अतिरिक्त बेचने से पहले तक, वो सब क्रय मूल्य में ही शामिल हो जाता है। रविलाल ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 17,350 रुपये में खरीदी, उसने 650 रुपये भाड़ा देकर उसे मरम्मत के लिए गैराज पर भेजा, 4,680 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और उसमें 220 रुपये पेट्रोल डलवा कर उसे 26,000 रुपये में बेच दिया। देखिए, पुरानी मोटरसाइकिल इतने में खरीदी गई, ये भाड़े में खर्च किया और ये मरम्मत पे और ये पेट्रोल पे, ये सब जुड़ करके क्रय मूल्य ही होगा, 17,350 में 650 जोड़ना है और 4,680 जोड़ना है, 220 जोड़ना है, सब मिला करके जो होगा वो इसका क्रय मूल्य आएगा। तो ये जीरो आ जाएगा, 5, 10, 18, 20, हाँ चल दो, 5, 6, 11, 6, 17, 2, 19 हासिल, 1, 8, 4, 12, 1 और 1, 2, 22,900 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी वस्तु को खरीदने से लेकर के बेचने तक जो खर्चा किया गया है वो सब क्रय मूल्य में ही शामिल होता है। आगे हम देख रहे हैं विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। विक्रय मूल्य तो सीधी सी बात है कि जितना कोई और आदमी खरीदते समय किसी वस्तु का मूल्य चुकाता है बेचने वाले को, वो सब विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य की बात करते हैं, सोनू ने
एक दर्जन अंडे 60 रुपए में खरीद कर 7 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेच दी। अंडों का क्रय विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय का मतलब बेचना। अब हमें ये देखना है, इससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि एक दर्जन अंडे उसने कितने में बेचे। 7 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेचा है, तो एक दर्जन अंडे कितने में बिकेंगे? एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, 7 का गुणा करेंगे, 84 रुपए, यानी इसका विक्रय मूल्य होगा वो 84 रुपए होगा। प्रकाश ने 50 किलो चीनी 1500 रुपए में खरीदी और 60 रुपए उसकी ढुलाई पर खर्च किए। उसने वही चीनी 1800 रुपए में बेच दी। चीनी का विक्रय मूल्य कितना था? तो इतने रुपए में उसने बेची है, 1800 में, तो इसका विक्रय मूल्य 1800 रुपये हुआ है। अब हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है सिर्फ कि विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो बेचने वाली कीमत हमें जरूरत पड़ेगी और उसी से मतलब है। आगे हम देखते हैं, सोनू ने 4 दर्जन अंडे 1 दर्जन अंडे 60 रुपए में खरीदे। इसमें से 4 अंडे टूट गए। शेष अंडे उसने 7 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेच दिए। अंडों का विक्रय मूल्य कितना था? एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। अब उसने जब खरीदे तो 4 टूट चुके हैं, अब बचे हमारे पास 8। हमें 8 को ही बेच करके पता करना है कि उनका विक्रय मूल्य कितना था। 8 बेचे जाने हैं, 4 तो टूट गए। एक अंडे की कीमत 7 रुपए है, हमने 7 का गुणा कर दिया, 7 8 56 रुपए, यानी अंडों का विक्रय मूल्य जो है हमारा 56 रुपए है। 60 में खरीदे, 56 में बेचे, विक्रय मूल्य हमारा 56 रुपए है और क्रय मूल्य उसका 60 था। हमें विक्रय मूल्य से मतलब है, इसलिए ये 56 रुपए है। आगे हम देखते हैं, प्रकाश ने 50 किलो चीनी 1500 रुपए में खरीदी और 60 रुपए उसकी ढुलाई पर खर्च किए। उसने वही चीनी 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची। चीनी का विक्रय मूल्य कितना? हाँ, 50 किलो चीनी है, 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची है, तो हमें विक्रय मूल्य पता करना है, हम गुणा कर लेंगे, तो 40 का गुणा करेंगे तो ये 2 0 हो गए, 4 5 20, 2000 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया है। तो हमने यहाँ पर देख लिया है क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। क्रय मूल्य, क्रय का मतलब खरीदना है, कितने में कोई वस्तु खरीदी गई और बेचने तक उस पर कितना खर्चा किया गया, सब मिलाकर के क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य का मतलब ये है कि कोई दूसरा जब उसे खरीद रहा है तो उसने बेचने वाले को कुल कितना पैसा दिया है, तो उसका विक्रय मूल्य है।